जीतने वालों को मेरा सलाम। आज हम बहुत खास माइंडसेट प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। ये ट्रिक आपको जीवन भर काम आएगी, आपको कभी हार नहीं मानने देगी। अपने भले के लिए पूरा वीडियो देखिए और उससे जरूरी बार बार अप्लाई कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं एक दिलचस्प हादसे से। डेविड कॉगिंस कहते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग में सबसे कठिन होते हैं वाटर रिवॉल्यूशंस, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी और नेचुरल एनवायरनमेंट बदलने से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ एक एवोल्यूशन पास करने के लिए आपके पास केवल 3 मौके होते हैं, नहीं तो ट्रेनिंग से बाहर और नेवी सील का सपना खत्म। डेविड कहते हैं कि हेल वीक के बाद घुटना लगभग टूट चुका था, लेकिन ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता था, नहीं तो ट्रेनिंग से बाहर हो जाता। इस कारण मेरे लिए वाटर एवोल्यूशंस और कठिन हो गए थे। एक एवोल्यूशन था जिसमें आपको पानी के अंदर 5 नॉट बांधना है। आपके साथ एक ट्रेनर भी होगा जो आपको चैलेंज और साथ में इवेल्युएट करता रहेगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मेरे साथ था ट्रेनर सन की साइकोपीट, जो मुझे पसंद नहीं करता था। वो पूरे दिल से चाहता था कि मैं बाहर हो जाऊं। उसने मुझे चैलेंज किया कि क्या तुम एक साथ 3 नॉट्स लगा सकते हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं ये कठिन था क्योंकि मैं टूटे घुटने के कारण पानी में एक ही पैर से जोर लगा पा रहा था, जिस कारण मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, लेकिन मैंने चैलेंज स्वीकार कर लिया। जब मैंने डुबकी लगाने से पहले सांस लेने की कोशिश की तो सन की साइकोपीट ने मुंह पर जोर जोर से पानी उछाला, जिस कारण मुझे नेगेटिव ब्रेथ होल्ड यानी बिना सांस लिए ही डुबकी लगानी पड़ी। पहली नॉट मैंने कुछ सेकंड्स में पूरी की, लेकिन जब तक साइकोपीट उसे देख परख कर पास नहीं कर देता तब तक मुझको पानी के नीचे इंतजार करना था। फिर मैंने दूसरी नॉट बांधी। साइकोपीट ने बड़े आराम से दूसरी नॉट चेक की। डेविड कहते हैं कि इस समय ऑक्सीजन की कमी के कारण अंधेरा छाने लगा था, मैं कभी भी बेहोश हो सकता था। पानी के अंदर मौत का डर मुझे सताने लगा और मेरे अंदर नेगेटिव विचार हावी होने लगे। क्यों इतना कष्ट झेलना, क्यों मरने का खतरा उठाना, सील बनने में क्या रखा है। साइकोपीट को मेरी दुविधा और परेशानी देखकर बहुत मजा आ रहा था। डेविड कहते हैं कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी बुलिंग, सारी परेशानी याद आ गई। लेकिन एक अलग बात हुई, मेरे दिमाग ने कहानी पलट दी, जैसे समय रुक गया हो। मैंने पहली बार देखा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गलत नजरिए से देख रहा हूँ। मैंने जीवन में जितनी नेगेटिविटी, अब्यूज, मार झेली है, इसने मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाया है। उस समय मुझे समझ में आया कि मैं विक्टिम नहीं बल्कि वॉरियर हूँ और ये जीवन मेरा अल्टीमेट ट्रेनिंग ग्राउंड है। आज तक जितनी भी तकलीफें, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स और यातनाएं झेली हैं, इन सब ने तो मुझे सन की साइकोपीट जैसे लोगों से निपटने के लिए तैयार किया है। डेविड कहते हैं कि ये सारी बात मेरे अंदर एक फ्लैश की तरह चमकी। ऐसा लगा कि समय रुक गया है और मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस और ताकत आ गई। ऑक्सीजन की कमी, घुटने का दर्द और बेहोशी सब गायब हो गई। मैंने सन की साइकोपीट की तरफ देखकर मुस्कुराया और आखिरी गांठ बड़े आराम से बांधी और इवोल्यूशन पास किया। डेविड कहते हैं कि मैं आश्चर्य कर रहा था कि वो कौन सा मेंटल स्टेट है जहां मुझे ऑक्सीजन की कमी भी नहीं रोक पाई। फिर उसी दिन ट्रेनर्स मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 2 ट्रेनर मुझसे बियर क्रॉल्स करवाने पर तुले थे। डेविड कहते हैं कि उस समय तक मेरा घुटना लगभग टूट चुका था। दर्द इतना था कि पैर को उठाना भी असंभव था, लेकिन मैं दोबारा ऐसे स्टेट में पहुंच गया जहां डर, शिकायत और दर्द खत्म हो गया और टूटे घुटने के बावजूद मैंने बड़ी तेजी से बियर क्रॉल्स करना शुरू किए। आधे घंटे बाद जब ट्रेनर थक गए तब एक ने कहा, पता नहीं गॉगिंस तुम्हारे अंदर सुपरमैन कहां से घुस गया है। गॉगिंस कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे इंसानी दर्द की सीमा पार कर रहा हूं। इसका जवाब छिपा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वॉरियर माइंड में। डेविड कहते हैं कि जब लोग फेलियर या दर्द का सामना करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो इससे पहले कितने बैटल्स जीतकर यहां पहुंचे हैं, उन्होंने आज तक कितनी मेहनत की है, तब जाके ये मंजर सामने आया है। अगर वो ये बात महसूस कर ले तो वे कुछ और देर दर्द का सामना कर पाएंगे और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी मदद करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके फाइट और फ्लाइट मोड के लिए जिम्मेदार है। जब आप परेशानी छोड़कर नहीं भागते तो आपका शरीर और दिमाग फाइट मोड में आ जाता है। सबसे पहले पूरे शरीर में हॉर्मोन्स की छोटी सी बाढ़ आती है, जिससे खून में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। पूरे शरीर में एनर्जी महसूस होती है, साथ में दिल तेजी से धड़कता है, आपकी मसल्स और दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है,
जिससे आपकी अलर्टनेस भी बढ़ जाती है। शॉर्ट में कहें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट मोड में आपको कुछ देर के लिए सुपरमैन बना देता है। बस आपको करना यह है कि दर्द और कंफ्यूजन में आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ देर टिके रहना है, मतलब आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना होगा। डेविड कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हमेशा मदद करेगा। इसके लिए आपको सील में जाने की जरूरत नहीं है। आपको काम में जब भी हार मानने की इच्छा हो या अपनी काबिलियत पर कोई भी डाउट उठे, तब आप वॉरियर माइंड कंसेप्ट का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपने बहुत फेलियर्स देखे हैं, लेकिन फिर भी आज आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर फेलियर ने आपको मजबूत बनाया है। डेविड कहते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि लोग पहले से तैयारी नहीं करते, अपने विचारों को पहले से इवैल्यूएट नहीं करते। तो अगला सवाल है कि इस माइंडसेट की तैयारी हम कैसे करें। मेंटल प्रिपरेशन के 3 पार्ट्स हैं। डेविड कहते हैं कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट रेस या एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें चिंता होती है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जिन चीज़ को हम बदल नहीं सकते उनके बारे में सोचने से बेहतर है कि हम विजुलाइज करें। मैं कोई भी चैलेंजिंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले अपने मन में अपनी सफलता की पिक्चर बनाता हूँ और उसे देखता हूँ और महसूस करता हूँ। अगर मैं कोई बड़ा गोल पूरा करने जा रहा हूँ, जैसे मुझे 150 किलोमीटर की रेस दौड़नी है, तो मैं उस रेस को हर दिन विजुलाइज करता हूँ, और इससे मुझे ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस के दौरान बहुत प्रेरणा मिलती है। विजुलाइजेशन केवल विक्ट्री सेरेमनी का नहीं, बल्कि आपको आने वाले एक एक चैलेंज को देखना चाहिए कि 50 किलोमीटर के बाद शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगेगी और गर्मी में सर फटने लगेगा, तो मैं सॉल्ट और शुगर टैबलेट्स लूँगा और अपने मन में ये बातें बार बार दोहराऊँगा, या रेस के दौरान हेडफोन लगाकर ये वाला गाना सुनूंगा, या अभी ट्रेनिंग में अफर्मेशन रूटीन जोड़ लूँगा जो मैं रेस में दोहरा सकूँ। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि खाली विजुलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। चैलेंजेस को देखो, सॉल्यूशंस को देखो और फिर डेली उन सॉल्यूशंस पर काम करो। मेंटल प्रिपरेशन का 2 पार्ट है पर्सनल क्लैरिटी। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ पर्सनल सवालों के जवाब होने चाहिए कि मैं जो कठिन गोल के पीछे पड़ा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे कौन सी बात प्रेरित कर रही है। अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव चीज़ जैसे गुस्सा है जो मुझे प्रेरणा दे रही है या आगे चला रही है, वो कहाँ से आ रही है, कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण मेरे पास मेंटल टफनेस है। डेविड कहते हैं कि जब दर्द के कारण आपके मन में डाउट्स और डर की बड़ी बड़ी लहरें प्रकट होने लगती हैं, तो मन में यही सवाल नेगेटिव टोन्स में प्रकट होते हैं कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब करने की मुझे क्या ज़रूरत है, और आपके पुराने दुख शिकायत बनकर सामने आने लगते हैं। ये सब सबकॉन्शियसली इतनी जल्दी होता है कि आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपके पास इन सवालों के सच्चे जवाब हैं और आप वॉरियर माइंडसेट का उपयोग कर सकते हैं कि मैं कितने चैलेंजेस पार करके यहाँ खड़ा हूँ, और जो भी दुर्घटना या एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है उसने मुझे विक्टिम नहीं बल्कि वॉरियर बनाया है, तो ये दर्द, कन्फ्यूजन और निराशा की लहर आप पार कर जाएंगे और आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, समरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपने पास सेव कर लीजिए और उससे बेहतर तुरंत अप्लाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेविड गॉगिंस की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।